relation between torque tau, torque is a vector, and angular momentum L vector. तो टॉर्क और L वेक्टर में रिलेशन निकालो. तो क्या रिलेशन है? टॉर्क इज dl by dt. मैंने किसे पूछा? प्रूव कर दे. वो स्कूल में गया, उसने प्रूव कैसे किया कि मुझे सर ने कहा था कि जैसे F क्या होता है? dp by dt. तो तुम ऐसे रिप्लेस कर लिया करो F की जगह टॉर्क, d by dt की जगह L. तो फिर मेरे को नंबर दे दो, 3, 0 नंबर मिलेगा. और ना मैंने आपको ये बताया है, इनफॉर्मली बताया है, ये फॉर्मल तरीका थोड़ी ना है कि जैसे वो वैसे वो कर लो, ऐसा नहीं होता. तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं बोलना किसी को. हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि बिल्कुल सेम पैटर्न चलता है. तो प्रूफ कैसे करना है इसका? टॉर्क इज dl by dt, स्टार्ट करना है L वेक्टर इज r क्रॉस p. हमने किया, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या होता है? L वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस p. दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम d by dt. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया? dl by dt. राइट हैंड साइड पे d by dt ऑफ दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो u into v का फॉर्मूला याद है डिफरेंशिएशन में. क्रॉस को नहीं छोड़ना, क्रॉस एक वेक्टर है इसमें. तो एक काम करो, u into v लगाते हैं. कैसे? पहले डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म की करते हैं क्रॉस p एज इट इज, फिर r वेक्टर को बाहर निकालते हैं, क्रॉस d by dt ऑफ p वेक्टर कर लेते हैं. अब इसमें dr by dt क्या होता है? v वेक्टर. और dp by dt क्या होता है? f वेक्टर. अब p क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर. v क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर का खुद के साथ क्या होता है? जीरो. और r क्रॉस f क्या होता है? टॉर्क वेक्टर. तो टॉर्क वेक्टर इज dl by dt प्रूफ. तो कुछ नहीं करना आपने, इस रिजल्ट को लिखना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, u into v का फॉर्मूला लगाना है, अपने आंसर आएगा. तो स्टेप समझ में आ रहे हैं कि कैसे करना है इसमें? कट आउट इसमें.